नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे। ये कंप्लीट पाम रेक्टेंगल है। जब इस तरह का पाम किसी व्यक्ति के जीवन में होता है तो व्यक्ति काफ़ी अच्छा कार्य बोलकर करता है, मैक्सिमम काम बोलकर करने की कोशिश करता है। पर इस पाम में थोड़ी सी चौड़ाई भी है तो ये मेहनती भी होंगे, पर बोलकर ज़्यादा कार्य करने की वृत्ति इनकी रहती है। अब इनका अंगूठा सशक्त है तो पर्सनालिटी भी काफ़ी स्ट्रांग होगी इनकी, और स्ट्रेट है। जब स्ट्रेट होता है अंगूठा तो व्यक्ति जल्दी किसी के सामने झुकता नहीं, बहुत स्ट्रांग उसके ओपिनियन रहते। इस तरह की व्यक्ति में एक भावना होती है जब अंगूठा इस तरह का स्ट्रेट हो, और इनका अंगूठा काफ़ी मांसल भी है तो अच्छी खासी स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी। अब इनकी सबसे बड़ी खासियत है छोटी उंगली, जो फर्स्ट फैलेंज से भी, सूर्य उंगली के फर्स्ट फैलेंज से भी काफ़ी ऊपर तक जा रही है। जिस किसी व्यक्ति का अंगूठा और ये उंगली अगर बड़ी होती है तो व्यक्ति आम लोगों से ऐसे भी सफल होता है, कई गुना ज़्यादा। रेखा फेट लाइन कमज़ोर भी हो, कैसी भी हो, तो भी व्यक्ति आम लोगों से अच्छा खासा सफल होता है। और इस तरह की बड़ी उंगली अच्छा खासा कम्युनिकेशन स्किल देती है, चीज़ों को संभालने का हुनर, याद शक्ति, फाइलिंग, ये सब चीज़ों में ये लोग काफ़ी मास्टर होते, एक्सट्रीम लेवल के मास्टर होते ये, जब इस तरह की बड़ी उंगली हो तो। और बिजनेस एक्यूमेंट भी इनमें अच्छा खासा होता है। इनका थर्ड फैलेंज जो है उंगलियों के, वो काफ़ी चपटा है, तो ऐसे लोग बिजनेस में भी अच्छे खासे एक्सपर्ट होते हैं, यानी बिजनेस एक्यूमेंट इनमें अच्छा खासा होता है। प्लस जब किसी का पाम लंबा हो तो ये लोग सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को बोलने की कला चाहिए, वो इस तरह का लंबा पाम अच्छी खासी काबिलियत देता है। अब चलते इनके उंगलियां, हाँ उंगलियां काफ़ी छोटी है पाम के मुकाबले, तो ये लोग काफ़ी त्वरित निर्णय लेते, पर इनके हाथ के नीचे अच्छे खासे लोग काम करते हैं, क्योंकि ये जल्दी से निर्णय लेते हैं ऐसे व्यक्ति, और जीवन में अच्छा खासा सफल बनते हैं। इस तरह की मानसिकता होने के कारण छोटी उंगली वाले बड़ी उंगली वालों से ज़्यादा सफल होते, क्योंकि ये ज़्यादा सोचते नहीं और तुरंत निर्णय लेते और सफलता मिलती भी। हाँ, कभी कभी इनको मुँह की भी खानी पड़ती है, पर ज़्यादातर मौक़ों पर ये सफल ही रहते। अब इनके ग्रहों की ओर चलते, इनके एक बढ़िया सी खड़ी लाइन है पर छोटी है, पर जब इस तरह की स्ट्रॉन्ग डार्क लाइन होती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बार अचानक धन लाभ होता है। बहुत बड़ी हो तो बहुत बड़ा धन लाभ होता है, पर इस तरह की लाइन भी कुछ ना कुछ अंश पर अचानक धन लाभ का योग देती है, और ये जीवन में बार बार मौके मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया, ऐसे लोगों के जीवन में बार बार इस तरह के मौके आते हैं। अब इनकी सूर्य रेखा देखिए, यहाँ से शुरू हो रही है लगभग उम्र 32-33 से, और इसने ऐसा घुमाव लिया और ये इस तरह से घूम गई, और एक स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा इनके पाम पर है, ये यहाँ से। जब इस तरह की सूर्य रेखा व्यक्ति के जीवन में होती है तो बहुत बार देखा गया है जहाँ से सूर्य रेखा प्रारंभ होती है व्यक्ति को बैठे बैठे इनकम के स्रोत अच्छे खासे खड़े होते, कम मेहनत में अच्छे खासे स्रोत क्रिएट होते, पर उसके पहले का जो पीरियड जाता है वो इतना संघर्षमय जाता है कि व्यक्ति को पसीना निकलवा देता वो पीरियड। और इनके पाम पर दो तीन खासियतें हैं सूर्य पर्वत पर। एक तो ये आड़ी रेखा, ये इनके पिता के साथ हमेशा मतभेद इनके रहेंगे, और बहुत बार अगर मतभेद नहीं होते तो व्यक्ति को पिता से दूर रहना पड़ता है, इस तरह का योग बनता है, या तो मतभेद होते या पिता से दूर रहने का अवसर मिलता है। दूसरा, इनके पाम पर एक बढ़िया सा ट्रायंगल बना हुआ है, और वो कोई छोटा मोटा ट्रायंगल नहीं है,
अच्छा खासा व्यवस्थित ट्रायंगल है। जब इस तरह का ट्रायंगल और वो भी एकदम मध्य भाग में, जब इस तरह का ट्रायंगल व्यक्ति के पाम पर होता है तो जनरली देखा गया है व्यक्ति काफ़ी सफल होता है, प्लस उसकी जितनी मन की इच्छाएं यथाशक्ति उसकी जो कैपेसिटी रहती है उस हिसाब से जो उसने मन की इच्छाएं रखी रहती है लगभग उसके जीवन में पूर्ण होती है। इस तरह का योग बनता है व्यक्ति के जीवन में, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पर ये जो कट आता है ये कोई ना कोई रोड़ा जीवन में डालता ही है। जब इस तरह का क्रॉस बनता है सूर्य पर्वत पर तो व्यक्ति के जीवन में अड़चने आते ही रहती है, जो वो 100% चाहता है वो उसको कभी प्राप्त नहीं होता, कोई ना कोई रुकावटें उसके जीवन में आती ही है। ये माइनस पॉइंट भी व्यक्ति को मिलता है, यानी कॉन्ट्रास्ट है इनके सूर्य पर्वत पर। ट्रायंगल भी काफ़ी बड़ा है प्लस क्रॉस की साइन भी बन गई है। अब इनके शनि पर्वत पर, शनि पर्वत पर एक बढ़िया सा टेम्पल बन रहा है यहाँ पर, जब इस तरह की साइन व्यक्ति के जीवन में इस पार्ट में बनती है या ऊपर बनती है तो जीवन के ये 52 या 53 के बाद इनके जीवन में बहुत खुशहाली आएगी और इनका अच्छा खासा पैसा धर्म में या सामाजिक कार्यों में भी खर्च होगा, क्योंकि ये टेम्पल समृद्धि देता है प्लस साथ में व्यक्ति को मंदिर बनाने का भी योग इनके जीवन में कभी न कभी आएगा। छोटा हो मंदिर, बड़ा हो मंदिर, ऐसे लोग जीवन में एक बार तो एक मंदिर तो बनाते ही है, और ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मंदिर का योग है, कोई छोटा मोटा योग नहीं है, कंप्लीट मंदिर की साइन है। तो ये इनके जीवन में अच्छा खासा इनको सफलता देगी प्लस जीवन में एक बार मंदिर बनाने का मौका देगी। ये बहुत रेयर साइन है, बहुत कम पामों में पाई जाती है। और इनके जीवन में एक रेखा इस तरह से गुरु की तरफ भी जा रही है, तो हो ना हो इस पीरियड से इनको कोई ना कोई सरकारी कामकाज या सरकारी लाभ इनके जीवन में आ सकता है, या ससुराल से लाभ आ सकता है, या पॉलिटिकल लाभ आ सकता है। और एक रेखा जो इस तरह से जा रही है सूर्य की ओर, तो ये इनके जीवन में विदेश से धन प्राप्ति के भी योग इनके जीवन में इस रेखा के कारण बनेंगे। और इनकी फेट लाइन भी, जब फेट लाइन का डिस्कशन करेंगे तब फेट लाइन भी इनकी उस तरह से जा रही है, तो इनके जीवन में विदेश से धन प्राप्ति के योग प्रबल दिख रहे और एक अर्ध शुक्र वलय भी बन रहा है जो थोड़ा सा कंप्लीट होने के लिए थोड़ा सा रहा। अगर ये पार्ट ज्वाइंट हो जाता तो 4 चांद लग जाते, पर फिर भी इस तरह का भी अर्ध शुक्र वलय भी अच्छा खासा जीवन में लाभ देता है। कोई व्यक्ति आम इंसान जहाँ 1000 रुपया कमाता ही, ऐसे शुक्र वलय वाले लोग वहाँ लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस तरह का योग इनके जीवन में बनता है। और शनि पर्वत काफ़ी अच्छा है तो इनको बुढ़ापे में कोई सब्जेक्ट ही नहीं आता इनको दुख होने का, और ये मंदिर की साइन इनको अच्छा खासा यश कीर्ति सब कुछ दिलाएगी। अब चलते इनके गुरु पर्वत पर। अब गुरु पर्वत बहुत लोगों के हाथ में मैंने देखा है, शुक्र जब बड़ा होता है और गुरु छोटा होता है तो व्यक्ति को वो लेवल का पैसा जो उसके नसीब में वो नहीं मिलता। ये बहुत सिंपल सा इसका उपाय, मैं इनको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। उसकी कॉस्ट लगती है, अच्छी खासी कॉस्ट लगती है, पर अगर वो उपाय करता है व्यक्ति तो उसके जीवन में अपार धन प्राप्ति के योग बनते हैं, क्योंकि ये दोनों पर्वत को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर उभरा हुआ है और ये दबा हुआ है तो उस तरह की जो सफलता मिलने के आसार रहते वो काफ़ी कम हो जाते। प्लस गुरु जब दबा होता है यानी छोटा पार्ट रहता है तो परिवार से व्यक्ति को दूर रहना पड़ता है, इस तरह के भी मौके आते। अब इनके गुरु पर्वत पे साइनें देखते हैं, खड़ी लाइनें कंटिन्यू चल रही है, तो ये जीवन में अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग सफलता इनको मिलती रहेगी और निरंतर प्रगति इनकी होती रहेगी।
और एक स्क्वायर साइन फोटोग्राफ में मुझे दिख रही है। अगर ये स्क्वायर साइन कंप्लीट है तो ये 32 साल के पहले खुद का घर, कितना भी आदमी गरीब परिस्थिति में पैदा हुआ हो तो सफलता पाता है, प्लस 36 साल के बाद अथॉरिटी पोजीशन पे पहुंचता है। और इस तरह की बड़ी स्क्वायर होती है तो बोलने में भी एक्सपर्ट रहता और अच्छे खासे बड़े घर में रहने का उसको अवसर मिलता है। इतने सारे प्लस पॉइंट एक स्क्वायर के कारण व्यक्ति के जीवन में आते हैं। अब इनका निम्न मंगल, निम्न मंगल एक आधी आधी जगह, अगर ये इससे थोड़ा सा 30-40% अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो एक स्पोर्ट्स कैटेगरी का व्यक्ति बनते थे, ये स्पोर्ट्स में कुछ नाम कर सकते थे। जब इस तरह का अंदरूनी मंगल मजबूत होता है तब इनके शरीर में ताकत काफ़ी, एनर्जी अच्छी होती है और ऐसे लोग अपने शरीर के प्रति भी अच्छा खासा ध्यान रखते हैं और उस पर कोई खड़ी लाइनें ज़्यादा है नहीं, तो इनको चिंता का भी, इनके इनको चिंता भी ज़्यादा सताएगी नहीं जीवन में। ये प्लस पॉइंट है इनके पाम पर। मैं ज़्यादातर कोई भी पाम एनालिसिस में मंगल पर ज़्यादा जोर देता हूँ, व्यक्ति की पर्सनालिटी को, उसको सफलता को मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बहुत पामिस्ट्री जानने वाले ये मिस्टेक करते हैं। इनका भारी मंगल भी अच्छा खासा उभरा हुआ है, यानी ये व्यक्ति जिससे भी मिलते होंगे एनर्जेटिक रूप से मिलते होंगे, जैसे लगेगा 10 साल से उसको जान रहे, उतनी एनर्जी से ऐसे लोग किसी व्यक्ति से मिलते और उसका लाभ भी इनको जीवन में मिलता है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और कोई संकट आया तो ऐसे लोग बहुत काम से रहकर, एकदम शांति से रहकर उसको संकट को सामना करते और सफल होते। अब इनके चंद्र को देखते हैं। चंद्र पर केवल एक नेगेटिव पॉइंट है जो कभी कभी इनको नेगेटिव भावना दिमाग में लाएगा, कभी कभी डर लगेगा इनको जीवन के प्रति कि मेरा जीवन किस तरह से होगा, क्या होगा, इस तरह का डर सफलता मिलने के बाद भी एक मन के एक कोने में इनको खटकता है जब इस तरह का क्रॉस होता है। और अच्छी खासी ट्रैवल लाइन भी है इनके जीवन में, हो सकता है इनकी जिस तरह की जीवन रेखा चल रही है इनका विदेश में बसना भी हो सकता है क्योंकि ये चंद्र को छू रही है, प्लस यात्रा रेखाएं भी भरपूर है, तो ऐसे लोग लॉन्ग स्टे भी विदेश में होते हैं, इस तरह के भी अवसर मिलते हैं। अगर ये रेखा थोड़ी सी अगर और इस तरह से होती तो ये 100% चांस होता है व्यक्ति का विदेश में बसने का, पर ऐसी रेखा भी बहुत बार व्यक्ति को विदेश में सेटल कराती है। और यात्राएं और लॉन्ग स्टे तो ये दिखा ही रही है रेखाएं। अब चलते हैं इनके और, चंद्र काफी बड़ा है तो इनको विदेश से अच्छा खासा लाभ हो सकता है अगर ये उस दिशा में सोचे तो, क्योंकि व्यक्ति का जिसका चंद्र अच्छा होता है उसको विदेश से अच्छे खासे लाभ प्राप्त होने के संकेत दिखाते। अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ नहीं गया है तो इनको उस तरह से कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए। और रिफाइंड सोच होती है व्यक्ति की, इनका इमेजिनेशन पावर एक्सट्रीम लेवल का होता है। कोई भी वस्तु लाएंगे तो इतनी सुंदर खरीद कर लाएंगे कि चार लोग देखकर उंगली दबाते, इतनी अच्छी इनमें इमेजिनेशन पावर होती है। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत अच्छा खासा फैला हुआ और बहुत अच्छा सा घेराव लिया हुआ है, तो ये इनके जीवन में अच्छा खासा लाभ देगा। और उस पर एक बड़ी आसी शुक्र रेखा भी है जो इनको कंटिन्यू लग्जरियस लाइफ जीवन में देगी, गाड़ी घोड़े में घूमना, अच्छे से घर में रहना, अच्छे फर्नीचर वाले घर में रहना, इस तरह के सब सुख ये रेखा देती है। बहुत लोग हमसे सवाल करते हैं, अभी तो मेरी उम्र 26 साल की है, आपने शुक्र रेखा का बताया, हमको तो मिला नहीं अभी तक वो लाभ। तो ये सभी लाभ स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं लोगों को जीवन में, कोई जन्म लेते ही तुरंत के तुरंत व्यक्ति को लाभ प्राप्त नहीं होते, पर उसके योग बनते हैं ऐसे लोगों की जब रेखा होती है तो। और ये रेखा भी अच्छा खासा धन व्यक्ति के जीवन में देती है। हाँ, इनकी 3-4 जो लाइनें हैं ये कभी ना कभी इनको थोड़ा सा काम के अंदर रोड़ा डाल सकती है, पर ज़्यादा नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इनका ज़्यादा प्रॉब्लम खाली शुक्र बड़ा है और गुरु छोटा है,
बस इसको छोड़कर इनके पाम पर, ग्रहों पर तो मुझे इतना प्रॉब्लम दिख नहीं रहा, काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, माउंट अच्छे हैं। अब इनकी हृदय रेखा कंप्लीट गुरु से शुरू होकर जा रही है और कौ भी ले रही है, तो इनमें भावात्मक जुड़ाव भी अच्छा होता है लोगों से, अच्छी तरह से जुड़े रहते हैं ये लोगों से, और सोच में भावात्मक भी रहती है। प्लस जब गुरु पर्वत से हृदय रेखा शुरू होती है और अच्छे खासे अंदर से शुरू होती है, तो इनमें एक आदर्शवाद भी पनपता है। बचपन से एक जीवन में कुछ आदर्श बना लिए रहते, उसी तरह जीना ये लोग चाहते हैं। और एक माइनस पॉइंट होता है, ये जो इनके घर के लोग रहते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बार ऐसे लोगों की शादी भी नहीं होती या लेट होती है, क्योंकि जो सामने से ऑफर आती है शादी के लिए, तो ये लोग काफ़ी नुक्स निकालते हैं उसमें। मुझे इसी तरह चाहिए, इस तरह का ही होना चाहिए, इस तरह की मानसिकता के कारण बहुत बार देखा गया है ऐसे लोगों की शादी भी लेट होती है। और शादी होने के बाद इनके परिवार वालों से या पत्नी से या बच्चों से इनके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहते, तो वहाँ पर ये लोग दुखी होते दिखते। पर इस तरह की हार्ट लाइन व्यक्ति को बहुत विश्वासु बनाती है। किसी का 100 रुपया भी अगर बाकी होगा तो ये सामने से देकर आएंगे, इस तरह की ये लोग जेन्युइन रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी हार्ट लाइन है। अब चलते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा पर। इनकी मस्तिष्क रेखा कंप्लीट मंगल से शुरू होकर नीचे जा रही है, तो जब चंद्र की ओर कोई भी रेखा जाती है माइंड लाइन, तो व्यक्ति का इमेजिनेशन पावर एक्सट्रीम लेवल का होता है। आप और हम एक कमरे की सीमा तक सोच पाते, ये लोग कमरे से 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर तक का या 100 किलोमीटर दूर तक का सोच पाते, इतनी अच्छी इमेजिनेशन इनमें पाई जाती है। और बहुत बार तो इनको अगर ये धार्मिक होते तो ऐसी रेखा जो डाउन होती है चंद्र की ओर, तो इनको ईश्वर के भी दर्शन होते हैं, इस तरह के भी भाव इनके जीवन में आते हैं। हाँ, इनमें एक माइनस पॉइंट होता है, परिवार में किसी एक व्यक्ति को बहुत बोल बोल करते, वो व्यक्ति इनसे त्रस्त रहता है, ये एक माइनस पॉइंट इनमें देखा गया। और जब मंगल से शुरुआत होती है किसी भी जीवन रेखा की, तो ऐसे लोग प्लानिंग बहुत करते और ये अति प्लानिंग करने वाले व्यक्ति होंगे, और ज़्यादातर प्लानिंग या तो पेपर पे रह जाते या दिमाग में ही रहते, ये इनमें बड़ा माइनस पॉइंट होगा, क्योंकि अच्छा खासा पार्ट इनका मंगल रेखा से निकल रहा है। अब चलते इनके जीवन रेखा पर, और उसके पहले चलते इनके मनी ट्रायंगल पर। इनके बुध रेखा भी अवेलेबल है हाथ पर पैरेलल, तो ये अच्छा प्लस पॉइंट है। इनमें बिजनेस एक्यूमेंट ऐसे लोगों में अच्छा खासा होता है, और एक बढ़िया सा मनी ट्रायंगल इनके लाइफ में बन रहा है। ये बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल तो है नहीं, पर बहुत छोटा भी नहीं है, तो ये अच्छे खासे इनकम के स्रोत और इनके पास अच्छा खासा धन संग्रह ये करवाएगा, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब इनकी जीवन रेखा को देखते, यहाँ जीवन के 25 या 26 साल में कुछ बदलाव, पॉजिटिव बदलाव इनके जीवन में आया होगा एक, क्योंकि जब भी जीवन रेखा इस तरह से ब्रेक होकर आगे बढ़ती है तो इस तरह का बदलाव जीवन में मिलता है। उसके बाद का पीरियड काफ़ी डार्क है, संघर्षमय रहा होगा, यानी 25 से लेके ये 36-37 तक का। पर उसके बाद इनके जीवन में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अभी ये जो लाइफ में, अभी इनकी उम्र लगभग 38 की है, और ये जो पीरियड आ रहा है ये सुपर से सुपर इनका जाने वाला है। ये इतना पार्ट लगभग 38 से लेके 55-60 तक का, 55 तक का तो पार्ट काफ़ी स्ट्रांग है, और उसके बाद भी अच्छा खासा है। पर मैं जनरली कोई भी एनालिसिस आगे के 15 साल और पीछे के 10 साल देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि व्यक्ति को 15 साल के बाद का याद नहीं रहता,
और 15 साल या 10 साल के पीछे का अगर उसको याद दिलाने की कोशिश करें तो उसको एनर्जी लगानी पड़ती है, इसके लिए ये कोशिश करता हूँ। ये पार्ट इतना सुपर जाएगा, इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन है और मल्टीपल प्रोग्रेस होने वाला है। ये देखिए, और ट्रायंगल सब कुछ है यहाँ पर। जब इस तरह की फॉर्मेशन बनती है व्यक्ति के जीवन में तो एक्सट्रीम सफलता इनको मिलने वाली है, एक्सट्रीम लेवल की सफलता इनको जीवन में अभी प्राप्त होने वाली है। ये सोच भी नहीं पाएंगे, ये रंग से राजा बनने वाले, ये यहाँ पर शो हो रहा है। अचानक बदलाव इतना पॉजिटिव आने वाला है इनके जीवन में, ये सोच भी नहीं पाएंगे। हाँ, बीच बीच में कहीं कहीं पर राहु रेखा काट रही है तो उस समय कोई ना कोई टेंस इनके जीवन में आएगा। लगभग ये टेंस होगा 45 से लेके 55 के बीच में। या तो शारीरिक कोई टेंस आ सकता है या कोई पारिवारिक टेंस इनको मिल सकता है, ये चार राहु रेखाओं के कारण। पर प्रोग्रेस हाई लेवल की इनकी होने वाली है, ये इनके जीवन रेखा से दिख रहा है और इनकी प्रोग्रेस अंत तक दिख रही है। यहाँ पर भी ट्रायंगल है, प्रोग्रेस लाइनें है, तो इनकी जीवन में कंटिन्यू प्रोग्रेस रहेगी। हाँ, इनके जीवन में ट्रैवल अच्छा खासा जीवन में रहेगा, क्योंकि जब जीवन रेखा के दो पार्ट बनते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है। अब चलते इनकी फेट लाइन को समझते। इनकी फेट लाइन बढ़िया सी चली और उम्र 35-36 से एक घुमाव आया और ये आगे बढ़कर यहाँ अटकी और यहाँ इनका कोई पारिवारिक खर्चा आया बहुत बड़ा। हो सकता है यहाँ मंदिर का निर्माण ये कर ले या कोई बहुत बड़ा घर का निर्माण कर ले। और उसके बाद फेट लाइन एक इधर गई और एक इस तरफ गई। ये दिखा रही है विदेश से लाभ, यानी इनको अभी विदेश से लाभ हो रहा होता हुआ दिख रहा है। और एक लाभ इनको ब्रेक के बाद, ये जो खर्च के बाद इनको सरकारी लाभ भी होते दिख रहा है या पॉलिटिकल लाभ होते दिख रहा है। अब इनकी फेट लाइन में जो कट्स आए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक कट्स आया, ये उम्र लगभग 28 के आसपास, और एक कट आया उम्र, ये पर सीधी रेखाएं काट रही है तो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान कम जाता है, यानी बहुत कम जाता है, पर उस समय का पीरियड उनके लिए स्टॉप जैसा होता है, जैसे गाड़ी अटक गई इस तरह का महसूस होता है। तो उम्र लगभग 28-29 के आसपास ये कट दिख रहा है। यहाँ पे इनको कुछ ना कुछ ऐसा लगा होगा कि गाड़ी अटक रही या कोई पारिवारिक खर्चा इनको आया होगा। और एक कट जो इनको 35-36 के आसपास है, यहाँ पर कुछ ना कुछ विघ्न इनके जीवन में आया होगा और कुछ ना कुछ खर्च इनका हुआ होगा या कोई नुकसान हुआ होगा। पर उसके बाद एकदम पॉजिटिव बदलाव इनके जीवन में, अचानक घुमाव आया और इनकी गाड़ी रफ्तार से चलनी चालू। अब ये जो पीरियड है ये इतना गोल्डन जाने वाला है, लगभग 38 से लेके 51 तक का, 51 या 52 तक का, 38 से लेके 52 तक का, ये नोट कर ले अपने पास डायरी में, ये जीवन इनके लिए गोल्डन है। और उसके बाद ये एक्सट्रीम लेवल का जीवन में कोई एक्सपेंस करेंगे और बाद में इनका कंसंट्रेशन भी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, यानी इन्होंने इतना धन अर्जित कर लिया होगा कि वो एक्टिवनेस ये थोड़ी सी ड्रॉप करेंगे और ये फेट लाइन आगे बढ़ेगी और ये एक फेट लाइन इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रही, यानी इस तरह का इनका जीवन रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी उत्तम पाम है मेरी नज़र में। जो इन्होंने संघर्ष किया उसका फल मिलते इनको कंप्लीट 38 से लेके 52 तक में दिख रहा है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।